दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड में 80s और 90s के दशक में रिलीज हुई कुछ हॉरर फिल्में जैसे कि खूनी महल, खूनी मुर्दा, खूनी पंजा और खूनी रात के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इन फिल्मों को आपने अपने बचपन में जरूर कभी न कभी देखा होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इनमें से कौन सी फिल्में हिट थीं और कौन सी फिल्म ने कितनी कमाई की थी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। खूनी महल सन 1987 में आई बॉलीवुड हॉरर फिल्म है। इसको डायरेक्ट किया था मोहन भाकरी ने। इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे सोमा आनंद, नीलम मेहरा और रजा मुराद। इस फिल्म में हॉरर के साथ साथ काफ़ी सारे एडल्ट सीन भी रखे गए थे और ये अपने टाइप की बॉलीवुड में बनी पहली फिल्म थी जिसमें इस टाइप के सीन किसी फिल्म में रखे गए थे। इस फिल्म की एक्ट्रेस नीलम मेहरा के काफ़ी सारे हॉट सीन फिल्म में थे, बाद में सेंसर बोर्ड ने इन सारे सीनों को कट कर दिया था। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि एक गांव में एक जमींदार पर एक प्रेत आत्मा का साया रहता है जिसकी वजह से वो सारे गांव वालों को पीट पीट के मारना चालू कर देता है और जमींदार की इस हरकत से सारे गांव वाले वो गांव छोड़ के चले जाते हैं और बाद में जमींदार की भी मौत हो जाती है। लेकिन मरते टाइम पर जमींदार एक शपथ लेता है कि उसके यहाँ पर आकर जो कोई भी रुकेगा वो उसको मार देगा। और काफ़ी साल बाद एक नया नया कपल उस गाँव में रुकने के लिए आता है जिनको वो जमींदार मार देता है क्योंकि वो एक बुरी आत्मा में बदल गया था। और इसी प्लॉट के आसपास इस पूरी फिल्म की कहानी घूमती है। बात करते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 18 लाख रुपए और इस फिल्म ने इंडिया और वर्ल्ड वाइड मिला के लगभग 21 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म को 6.2 IMDb रेटिंग मिली हुई है। अब बात करते हैं फिल्म खूनी मुर्दा के बारे में। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 1989 में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मोहन भाकरी ने जिन्होंने इसके पहले खूनी महल फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में हमें लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे दीपक परासर, सागुफ्ता अली और किरण कुमार। बेसिकली ये एक अमेरिकन फिल्म की पूरी हिंदी में कॉपी की गई फिल्म थी। अमेरिकन फिल्म का नाम था अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट जिसको अमेरिका में 1984 में रिलीज किया गया था। खूनी मुर्दा फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया था क्योंकि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस जो कि थी सागुफ्ता अली, उनके काफ़ी सारे एडल्ट सीन फिल्म में रखे गए थे और इन सीन के लिए उनका कोई भी हमशक्ल यूज नहीं किया गया था। इस फिल्म में उनका एक पीछे से पूरा न्यूड सीन भी दिखाते हैं जिसकी वजह से सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को बी ग्रेड हॉरर मूवीज की श्रेणी में रख दिया था। और ये फिल्म सन 1989 की एक एवरेज ग्रॉसर फिल्म थी। बात करें इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 22 लाख के आसपास और इस फिल्म ने इंडिया और वर्ल्ड वाइड मिला के लगभग 29 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और ये फिल्म उस साल की एक एवरेज ग्रॉसर फिल्म साबित हुई थी। लगभग 2 घंटे 7 मिनट की इस फिल्म को IMDb पर 3.8 की रेटिंग मिली हुई है। अब बात करते हैं फिल्म खूनी पंजा की। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 1991 में। ये एक लो बजट हिंदी हॉरर फिल्म है। इसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था विनोद तलवार ने। इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर हमें नजर आए थे जावेद खान, अनिल धवन, बीना बनर्जी, जगदीप और मैक मोहन। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि सीमा के हस्बैंड अजीत का एक दूसरी लेडीज ऊषा के साथ एक अफेयर रहता है और एक दिन सीमा उन्हें रगे हाथों पकड़ लेती है और वहाँ पर अजीत और उसकी गर्लफ्रेंड ऊषा मिलकर सीमा का कत्ल कर देते हैं और उसकी लाश को एक माली की हेल्प से एक गार्डन में दफन कर देते हैं। और कुछ समय कुछ लड़कियां उसी ग्राउंड में फुटबॉल खेलने के लिए आती हैं और उन्हीं में से एक लड़की पिंकी में सीमा की आत्मा अंदर चली जाती है और बाद में पिंकी की शादी हो जाती है अजीत के छोटे भाई से और फिर सीमा की आत्मा जो पिंकी के अंदर चली गई थी वो पूरे फैमिली से बदला लेती है। इसी प्लॉट के आसपास इस पूरी फिल्म की कहानी घूमती है। इस फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 21 लाख रुपए और इस फिल्म ने इंडिया और वर्ल्ड वाइड मिला के लगभग 26 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और ये फिल्म सन 1991 की एक बिलो एवरेज फिल्म साबित हुई थी। लगभग 2 घंटे 10 मिनट की इस फिल्म को 6 IMDb रेटिंग मिली हुई है। अब बात करते हैं फिल्म खूनी रात की। इस फिल्म को भी रिलीज किया गया था 1991 में जिसको डायरेक्ट किया था J.D. लॉरेंस ने और इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर हमें नजर आए थे जावेद खान, बीना बनर्जी और हुमा खान। इस फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 17 लाख रुपए और इस फिल्म ने इंडिया और वर्ल्ड वाइड मिला के लगभग 19 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म को 5.8 IMDb रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों ये फिल्में आपको कैसी लगी थी और इनमें से कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद आई थी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट और अननोन बातों के साथ।